संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। इस सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में तीसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इसके कुछ समय बाद ही लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दरअसल 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष दल भड़के हुए हैं। विपक्ष यह निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सभापति ने निलंबित सांसदों से माफी मांगने पर फैसला वापस लेने की बात कही, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार ने मंगलवार को संसद में जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई आंकड़ा या फिर रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के अंदर करीबन 700 किसानों की मौत हुई है। कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को दोनों सदनों में पास हो गया था। इन कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को किया था। उन्होंने देश से माफी मांगते हुए कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।